अभी पूरे प्रदेश में सरकार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बिहार में जहरीली शराब से आधा सैकड़ा लोगों की मौत के बाद प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। इसी क्रम में ग्वालियर की आबकारी पुलिस ने भितरवार में कंजरों के 3 डेरों पर जहरीली शराब बनाने वालों पर एक्शन लिया है। अचानक दी गई दबिश में आबकारी पुलिस ने लाखों रुपए की कच्ची शराब सामग्री लुड़लहान नष्ट कराया है। पर हर बार की तरह आबकारी को देख आरोपी भाग गए। सिर्फ कच्ची शराब व उसे बनाने की सामग्री ही हाथ आई है। आबकारी टीम ने तीनों अलग अलग मामलों में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर आबकारी विभाग को लगातार मुखबिर की द्वारा सूचना मिल रही थी कि भितरवार के 3 स्थान गोहिंदा, गोलपुरा और चकमियानपुर में शराब माफियाओं के द्वारा कंजरों के डेरों पर अवैध जहरीली शराब तैयार की जा रही है। यह शराब काफी मात्रा में बनाई जा रही है। इसे नए साल के जश्न में डबरा भितरवार के देहात इलाकों में ठिकाने लगाया जाना है। इस सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने डबरा और भितरवार की आबकारी टीम को साथ लेकर गोहिंदा, गोलपुरा, चकमियानपुर के अड्डों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान आबकारी विभाग की टीम को आता देख जहरीली शराब को तैयार कर रहे लोग वहां से भाग निकले। टीम को देखकर भाग रहे लोगों का टीम ने पीछा भी किया, लेकिन आरोपी जंगल में कूदकर भाग निकले। टीम ने तीनों स्थानों में भारी मात्रा में तैयार की जा रही जहरीली शराब से भरे ड्रमों को बरामद किया, जिसमें 15 लाख रुपए कीमत का 30,000 लीटर गुड़ लहान का सैंपल लेकर उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया है। वहीं जहरीली शराब को बनाने वाले सामान और ड्रम को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल आबकारी टीम ने तीनों ही अलग अलग स्थानों के जहरीली शराब बनाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। SI आबकारी विभाग ग्वालियर मनीष द्विवेदी ने बताया कि आबकारी विभाग के द्वारा अवैध जहरीली शराब बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी टीम ने भितरवार के अलग अलग 3 स्थानों पर बने कंजरों के डेरों पर छापामार कार्रवाई की है। यह छापामार कार्रवाई गोहिंदा, गोलपुरा और चकमियापुर में करते हुए लाखों रुपए की कच्ची शराब व शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। दल गठित करके मृत भितरवार के 3 कंजर डेरे, जिसमें गोलपुरा, गोहिंदा और चकमियापुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत 30,000 किलोग्राम गुड़ लाहन मौके पर नष्ट किया गया, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी गई है।